वायरल टेस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है और आप बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा की। मालेगांव बम धमाके की आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने इस बार भोपाल लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। इस बीच साध्वी ने दावा कर दिया कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वो खुद गई थी। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 1992 में तो साध्वी महज 4 साल की थी, तो फिर ढांचा कैसे गिराया। जब से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सियासत में एंट्री मारी है, जब से बीजेपी ने साध्वी को भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से साध्वी प्रज्ञा जबरदस्त चर्चा में है। वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। हर रोज साध्वी को लेकर कोई ना कोई विवाद हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो उनके इस बयान से शुरू होता है। मैंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ दिया, मुझे बहुत गर्व है कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया और ऐसा करने की शक्ति दी और मैंने उसे कर दिया। अब हम वही राम मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा गर्व से कहती हैं कि उन्होंने खुद अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा, और आज तक ने साध्वी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बेखौफ इसका जवाब भी दिया। ढांचा गिराने का अफसोस क्यों होगा, ढांचा गिराने का तो पहले तो हम गर्व करते हैं, बिल्कुल कोई इसका वो हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए, हम गर्व करते हैं इस बात पे, हमारे देश का स्वाभिमान जागा है, हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। कब बनेगा मंदिर, क्या आप भी वहाँ जाएंगे अगर बनता है तो? ये बड़ा एक सवाल है क्योंकि 5 साल पहले मोदी जी ने कहा था। समय देखो, 70 वर्षों में उन्होंने क्या हालत की है देश की, और हमारे देव स्थान भी सुरक्षित नहीं हो पाए हैं, हिंदुओं ने इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के स्वाभिमान को फिर से जागृत किया है ढांचा तोड़ करके, अब और भव्य मंदिर बना करके हम आराधना करेंगे, उनकी आनंद पाएंगे। ये चुनाव प्रचार में जब आप निकलेंगी राम मंदिर का मुद्दा रहेगा आपके उसमें एजेंडे में? नहीं नहीं नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये चीज, और निश्चित ये हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, सन्यासी हूँ और धर्म पे चलने वाली भाजपा है, बिल्कुल हम ये कार्य करेंगे ही, हमारे देश में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। लेकिन साध्वी का ये जवाब अब उनके गले की हड्डी बन रहा है। पहले तो साध्वी के इस बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमाया। साध्वी ने दावा किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा गिराने के लिए वो भी अयोध्या गई थी और उन्होंने खुद ढांचा गिराया भी था और इसी बात का उन्हें गर्व है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साध्वी प्रज्ञा की खिंचाई करते हुए पूछा कि 4 साल की उम्र में उन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे गिराया। दावा किया जा रहा है कि जब वो 1988 में पैदा हुई तो सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने आखिर बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे गिराया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा के बारे में लिखा। जाने माने वकील संजय हेगड़े ने भी ट्वीट किया, कभी तो सच बोलो, क्या आप 1988 में पैदा नहीं हुई थी? बाबरी मस्जिद का ढांचा 1992 में नहीं गिरा था? या फिर वीके सिंह के जैसे आपके भी जन्मदिन की 2 तारीखें हैं? जाने माने पत्रकार शेखर गुप्ता ने भी साध्वी पर ट्वीट करके कहा कि वो 4 की थी, अतुलनीय प्रतिभावान बच्ची रही होंगी, छोटा भीम के लिए प्रेरणा।
फेसबुक पर भी लोगों ने इस तरह के कई दावे किए। इम्पल्सिव इंडियन नाम के पेज को 1 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और यहाँ भी लिखा गया, फेंकने में मोदी से भी आगे हैं ये। लेकिन क्या वाकई साध्वी प्रज्ञा 1992 में 4 साल की थी? हमने इस खबर का वायरल टेस्ट करने का फैसला किया। हमने जांच के लिए इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश की जिसमें साध्वी प्रज्ञा की उम्र लिखी हो। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में आरोपी हैं और कई साल जेल में रही हैं। 2016 में साध्वी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी। इस अर्जी में उन्होंने अपनी उम्र 44 साल बताई थी। इस मामले में अदालत का आदेश 1 साल बाद आया जिसमें साध्वी को जमानत मिल गई। अदालत के आदेश में भी साध्वी की उम्र का जिक्र है जिसे यहां देखा जा सकता है। तो इसके अनुसार अगर साध्वी 2016 में 44 की थी तो वो 1972 में पैदा हुई होंगी और बाबरी मस्जिद के हादसे के दौरान करीब 20 साल की रही होंगी। इस मामले की जांच आगे और बढ़ाने के लिए हमने सीधे साध्वी की बड़ी बहन उपमा सिंह से बात की जो इन दिनों अपनी बहन की चुनाव में मदद के लिए भोपाल पहुंची हुई हैं। उपमा सिंह ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा का जन्म 2/2/1970 को हुआ था और यही उनके मार्कशीट और आधार दोनों पर लिखा है। चुनाव में व्यस्त होने के चलते उपमा ने हमसे कहा कि अभी उनके लिए डॉक्यूमेंट भेजना संभव नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मुहैया करवा सकती हैं। उपमा सिंह की बातों और बॉम्बे हाईकोर्ट के कागजातों से ये साफ है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह 1988 में तो कतई पैदा नहीं हुई। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के वक्त साध्वी प्रज्ञा एक वयस्क महिला थी, तो इस तरह से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने वक्त साध्वी की उम्र 4 साल की थी। वायरल टेस्ट में ये खबर फेल हुई। सना जैदी, वायरल टेस्ट टीम, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।